हेलो एवरीवन, अगर आपने 12th पास आउट किया और फार्मेसी करियर चूज करना चाहते हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा करने में कंफ्यूजन है कि सर मैं डी फार्मा करूं या बी फार्मा करूं, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वेलकम टू माय चैनल अमरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक, जहां आपको मिलती है फार्मेसी रिलेटेड अपडेट, न्यूज और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बेसिकली कुछ दिनों पहले मैंने एक डी फार्मा बी फार्मा का इंट्रोडक्शन के लिए कैसे क्या एडमिशन है और क्या क्या कोर्स की इंक्वायरी है उसके लिए वीडियो बनाया था। तो स्टूडेंट की क्यूरी थी, सर कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा जो है कोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा, सर मैं डी फार्मा करूं या बी फार्मा करूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 4 ईयर कोर्स बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, 2 ईयर कोर्स डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। डी बोले तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी बोले तो बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, बीएससी होता है, वैसे फार्मेसी में भी बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। चलिए, तो ये कोर्स जो है वो 4 ईयर्स का है, इसके लिए 12th में साइंस बायो होनी चाहिए या मैथ्स होगी तो भी चल जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात ये आती है, सर बी फार्मा करूं या डी फार्मा करूं। देखिए, यहाँ पे हमको कुछ एक परफेक्टली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट समझना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट को ग्रेजुएशन करनी है, मतलब आप फार्मेसी में ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स जो है वो बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। और जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है, सर मुझे ग्रेजुएशन फार्मेसी में नहीं करनी है, सर मेरा एम जो है वो मेडिकल स्टोर खोलने का है, मेरा एम जो है सेल्स ऑफ मेडिसिन का है, मेरा एम जो है सर ये जो BSF रेलवे की जो वैकेंसी आती है फार्मेसी की उसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखें तो आपको, आपके लिए जो कोर्स है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। अब कोर्स की कंपैरिजन अगर मैं बताऊँ तो आपको मेरे हिसाब से जो है वो बी फार्मा और डी फार्मा, देखिए दोनों ही कोर्स अपनी जगह सब सही है। अब ये सिचुएशन कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपके कंडीशन कैसे सेट हो रही है। कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर आप सपोज कीजिए बी फार्मा कोर्स सेलेक्ट करते हैं, अगर ये कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके एडवांटेज क्या होंगे कि ये कोर्स करने के बाद आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मेसी में ग्रेजुएशन हो जाएगी और जो लाइसेंस प्रोवाइड होगा उससे आप मेडिकल स्टोर तो खोल ही सकते हैं, इसके अलावा जो है आप बिजनेस भी कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चार साल का जो कोर्स है बी फार्मा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब सिचुएशन कैसे चेंज होती है कि सर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं 4 साल नहीं दे पाऊंगा, सर किसी कारणवश मुझे जो जल्दी से कुछ फार्मेसी या ऐसा स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है जिससे कि मैं अपनी इनकम जो है स्टार्ट कर सकूं, तो उन कैंडिडेट के लिए मेरे हिसाब से डिप्लोमा भी कोर्स जो है वो भी बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 12th के बाद आप डिप्लोमा 2 साल का कोर्स कर लीजिए, फीस भी इतनी नहीं लगेगी और नाउ यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सम गवर्नमेंट जॉब, एंड इसके बाद आपके पास जो है वो मेडिकल स्टोर खोलने का तो हमेशा ही ऑप्शन जो है खुला रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं COVID-19 पैंडेमिक में जो स्टोर जो खुले थे वो मेडिकल स्टोर खुले थे और इसी सेक्टर को लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो है कभी भी मंदी आती नहीं है। तो जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, सर मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी से अर्निंग करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या रहेगा, तो डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, बी फार्मा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 4 साल का तो है बट ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगी, उसके अलावा जो लाइसेंस आपको मिलेगा सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट जॉब में ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप बी फार्मा करके। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, आपकी सिचुएशन जो है वो क्या कहती है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट आपको ही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैंने अपनी राय रख ली, बाकी जो है सेलेक्ट आपको करना है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। और मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किसी स्टूडेंट को भेज दीजिए मेरा ये वीडियो जो उसको हेल्प करे अगर वो फार्मेसी करियर चूज करना चाहता है तो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।